नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली से, जीवन नगर से डबवाली रोड पे, और दलीप नगर के पास मैं यहां पे हूं। अभी अभी कुछ समय पहले यहां पे एक हादसा हुआ है, सड़क हादसा एक्सीडेंट हुआ है। बताया जाता है कि जन गाड़ी और ये जो सामने आप बलेरो गाड़ी देख रहे हैं, इन दोनों की टक्कर हुई थी। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी तरह का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल गाड़ी को टूट फूट जरूर हुई है। यहाँ पे नीचे मैं आपको ये टूट फूट दिखाना चाहूँगा, ये किस प्रकार से यहाँ पे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। लेकिन सामने से टक्कर नहीं हुई। जो जैन कार है वो बताया जा रहा है कि डबवाली से आ रही थी, जीवन नगर की तरफ जा रही थी, और ये जो बोलेरो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है ये जीवन नगर से डबवाली की तरफ जा रही थी। तो जो जैन गाड़ी है उसका ड्राइवर बताया जाता है कि शराबी था, शराब पी हुई थी उसने, ड्रिंक की हुई थी, तो उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड जो ये खिड़की है, यहाँ पे आके उसकी गाड़ी टकराई थी। ज़्यादा स्पीड नहीं थी इसलिए बचत रह गई, और ये गाड़ी बताया जा रहा है कि पलट गई थी। टायर इस गाड़ी के ऊपर थे और छत नीचे थी, लेकिन राहगीरों की मदद से जो इस गाड़ी के अंदर जो सवारी थी उनको निकाला गया है। हल्की चोटें जरूर लगी हैं लेकिन किसी प्रकार का जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर वो जो दूसरी गाड़ी है वो यहाँ से पुलिस उठा करके ले गई, अपनी कस्टडी में ले ली है, और जो ड्राइवर है दूसरी गाड़ी का, उसके जो ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उस गाड़ी की तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको, कोशिश करेंगे, किसी ने मोबाइल में वीडियो बनाई हुई है। तो बताया जाता है कि जो दूसरी गाड़ी थी उसमें शराब की पेटियां रखी हुई थी, 5 से 7 पेटियां बताई जा रही हैं, 10 पेटियां बताई जा रही है, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे इस हादसे को लाइव देखा था, चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था। बलैरो गड्डी इधरों आ रही सी, दूसरी गड्डी इधरों आ रही सी, लेकिन उन्हें आउटसाइड लिया और दूसरी साइड चली गई, ये पलटा खा गई। और उसके दौरान कुछ चोटें आई हैं जो लेडीज अंदर, उस मौके पर हमने आके निकाला, लोग खोल गए और एक लेडीज को पीछे से निकाला, और बाद में रोड क्लोज हो गया। उसके बाद कहने लगे कि इसको साइड में कर दें, इनको जाने दो, जो गाड़ियां आ रही पीछे से जी, इतना ही देखा है। और ड्राइवर ने भागने की कोशिश की लेकिन 2 किलो ले जाके उन्होंने वापसी ले आई, कहते आ जाओ। आपने पकड़ लिया उनको? नहीं, जो मालिक थे गाड़ी के। अच्छा, हाँ, हमने तो इतना पता नहीं था ना। ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कहने लगा मैं शराब भी पीता हूँ और भेजता भी हूँ शराब, हारनी गाँव बता रहा था। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इनका कहना है कि वो शराब पीता भी था और शराब बेचने का काम भी करता था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी गाड़ी में शराब थी और वो शराब बेचने के लिए लेके जा रहा था और उसने पी भी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, पुलिस इस मामले में क्या कहती है और वो वीडियो जो गाड़ी के अंदर शराब थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाहरों का बंदा यार, वो टब ने बिकने पाई है यार, केर वाला के पास है बड्डे वाली रोड पर, कोई एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। उसके बाद मेरे को लड़का जो रवि कुमार सनोफ दिलीप सिंह वासी नुईया वाली ने अपना बयान दर्ज कराया, नाम पता नाम मालूम, खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया है, जांच शुरू है। सर, जो घटना हुई जी, एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ था, क्या कुछ वहाँ पे सिचुएशन थी? एक्सीडेंट उस जो गाड़ी जो जैन कार थी ना, उसकी गलती से उसने बोलेरो गाड़ी में अपनी गाड़ी मार दी थी लापरवाही से, और उसके खिलाफ नाम मालूम व्यक्ति के खिलाफ हम ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
सर क्या हिरासत में ले लिया गया है ड्राइवर? अभी नहीं। अच्छा, और सर एक जो बताया जाता है कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी उसकी गाड़ी, उसका मिलने के बाद उसका भी तो शराब का तो मिलेगा, जब तो वो करेंगे ना गाड़ी से मौका पर जाके देखूंगा। बताइए, उसने अपने बयान में लिखवाया भी उसमें गाड़ी में शराब की पेटियां थी, और घटनास्थल पर जाने के बाद मैं देख लूँगा, मिलेगी तो शराब बरामद कर लेंगे, पर्चा देंगे। सर कौन कौन सी धारा के खिलाफ? धारा 279, 336, 337 IPC एंड एक्साइज एक्ट के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया मैंने, जाँच शुरू है।